हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों को तो पता ही है कि अभी हम है चितवन में। सो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद टुडे वी आर गोइंग फॉर जंगल सफारी। सो ये जो गाड़ी देख रहे हो आप, हम इसी में चढ़ के जाएंगे वहाँ तक। देयर वाज टू ऑप्शन, एक था जीप से सफारी एंड दूसरा वाला था एलिफेंट राइड। तो हमने चूज़ किया एलिफेंट राइड बिकॉज जीप से तो लाइक यू नो गाड़ी में तो हम वैसे भी चढ़ हैं नॉर्मल डेज में, और मुझे एक बार एनिमल सफारी करने का बहुत ही ज़्यादा मुझे इच्छा था। तो या हमने वही चूज़ किया। सो हम होटल से जीप में चढ़ के जा रहे हैं। सो इट टुक अस अराउंड 20 मिनट्स टू रीच द लोकेशन फ्रॉम द होटल। और यहाँ पे लोकेशन में आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एलिफेंट्स थे, जो कि राइड के लिए रखा था, जंगल सफारी के लिए रखा था। लोग जीप से भी जा रहे थे सफारी के लिए, तो हमने ऑब्वियसली चूज़ किया था एलिफेंट राइड। तो हम यस यहाँ पे आप पहुँचे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एलिफेंट्स थे, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शुगर केन रखा हुआ था बेचने के लिए, और ये एलिफेंट्स के लिए थे। सो हमने भी ले लिया कुछ बंडल्स एलिफेंट्स के लिए, उसे फीड करना था। एलिफेंट दैट वी आर गोइंग टू राइड टुडे। यहाँ पे और भी लोग हैं शायद, हमारे एलिफेंट के लिए। और ये वाला एलिफेंट देखिए कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और मुझे तो यू नो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं रियल एलिफेंट को ऐसे छू रही हूँ। यू नो मुझे पहले से ही बहुत ही ज़्यादा इच्छा था कि मैं एलिफेंट राइड करूँ एक बार। वैसे भी मुझे एनिमल राइड करना इतना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मुझे एक बार एक्सपीरियंस करना था। तो बस हम यहाँ पर है और एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लाइफ में। और ये देख सकते हो आप लोग, ये वाला एलिफेंट था हमारे लिए, जो कि थोड़ा सा ओल्ड था दिखने में। तो हमने इसको थोड़ा सा, वो शुगर केन हमने जो ख़रीदा था वो दे रहे हैं, इसे फीड कर रहे हैं राइड से पहले। सो देखिए कितना क्यूट लग रहा है। और इसका नाम मैं आपको बताऊं, इसका नाम था सोनाकली। तो आप लोगों को कैसा लगा सोनाकली, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम सोनाकली को फीड करते जा रहे थे और वो भी देखिए कितना खुश होके खा रहे थे, और उस वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और मुझे बस आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस राइड। ये उसको लगे था, ले देखो हमने सो इट्स टाइम टू टेक द राइड। और वहाँ पे एक सीढ़ी लगा हुआ था ताकि आपको चढ़ने में आसान हो, और आप हाथी के ऊपर चढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक सर्टन हाइट की ज़रूरत तो पड़ती है। तो हम वहीं ऊपर चढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो या हमने ये वाला जो एक्सपीरियंस था, ये होल एक्सपीरियंस, वो बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि जंगल के अंदर क्या क्या दिखा हमें, कौन सा एनिमल्स देखने को मिला। तो बस आप लोग देखते रहिए गाइस। आप ऐसा क्या बोला था, सो जब हमने ये सफारी स्टार्ट किया तब हमने देखा कि देयर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पीकॉक, जो कि आप लोग भी देख सकते हो यहाँ पे ट्री पे बैठा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन हमने इसे दूर से देखा बिकॉज हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना था। तो बस दूर से देखा, बहुत ही सुंदर लग रहा था पीकॉक। तो मैं पहली बार भी बहुत बार देख चुकी हूँ, ये वाला पीकॉक बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, आप लोग भी देख सकते हो। सो उसके बाद हम गए थोड़ा सा जंगल के अंदर, और हमें दिखने लगा थोड़ा और एनिमल, जो कि था डियर। डियर इस पार्क में ना, नेशनल पार्क में बहुत ही ज़्यादा दिखने को मिलेगा आप लोगों को। दूसरा वाला कुछ हमें दिखने को नहीं मिला जितना कि डियर और एलिफेंट दिखा हमने यहाँ पे। और उसके बाद हमें देखना था राइनोस, जो कि गाइड बोल रहे थे कि इस फॉरेस्ट में राइनोस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन एक भी राइनोस दिखने को नहीं मिला हमें। मुझे एक बार राइनोस देखना था, क्योंकि मैंने कभी रियल लाइफ में कभी नहीं देखा था। और ये जो आप रिवर देख रहे हो, यहाँ पे जो गाइड भैया था वो बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा राइनोज़ आते हैं नहाने के लिए, बट उस दिन एक भी राइनोज़ नहीं आया था। और यहाँ पे बस था मछलियाँ और कुछ क्रोकोडाइल्स दिखने को मिला हमें। बस हम राइनोज ढूंढते रह गए उस दिन। और उसके बाद हम गए थोड़ा सा आगे, क्रोकोडाइल
सो हमें इट टुक अस 2.5 आवर्स पूरा ये सफारी करने में, और उसके बाद हम यहाँ से उतर रहे हैं वापस। और मुझे यू नो डर लग रहा था नीचे उतरने में, कुछ यहाँ पे एक भैया था उसने हमें हेल्प किया उतरने में। तो यह मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस सफारी में, हमने बहुत ही ज़्यादा यू नो इन्जॉय किया। उतना ज़्यादा एनिमल्स तो दिखने को नहीं मिला, बट एनीवेज एक एक्सपीरियंस है लाइफ में, एक्सपीरियंस किया हमने, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और उसके बाद मैंने सोना कली के लिए और शुगर केन ख़रीदा, बिकॉज़ आई थॉट शी मस्ट बी हंग्री, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें ये घुमा के लेके आए हैं तो कुछ यू नो उसे रिवॉर्ड देना ही चाहिए। और हमने बहुत ज़्यादा शुगर केन ख़रीद के उसको खिलाया, फीड किया उसे। और मैं यहाँ पे सोना कली को थैंक यू कर रही हूँ और बाय कर रही हूँ, बिकॉज उसने हमें इतना सेफ राइड दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे कुछ टिप दे रही थी उसे, बिकॉज यू नो उसने बहुत ही अच्छा तरीके से हमें पूरा यू नो सफारी लेके गए। और वो देखिए कितनी अच्छी तरह से उस ये टिप जो है उसके मास्टर को दे रहे हैं वापस, विच वॉज वेरी यू नो क्यूट। और हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस, होटल जा रहे हैं यहाँ से, जो हम मॉर्निंग को ये जो जीप में चढ़ के आए थे उसी जीप से हम वापस जा रहे हैं होटल की तरफ। सो दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप टू नेपाल, बिकॉज़ हमारा हम यहाँ पे रहे थे 14 डेज के लिए, विच वॉज़ अ वेरी यू नो गुड एक्सपीरियंस। और मेरा ये फर्स्ट टाइम था नेपाल पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये जगह। और ये जो चितवन का हमारा एक्सपीरियंस था जंगल यू नो सफारी का, वो भी बहुत ही अच्छा रहा। नाउ आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट फ्रॉम द होटल। अगर आप लोग भी चितवन ट्रैवल करते हो तो इस होटल पे ज़रूर रहिए। द नेम ऑफ दिस होटल इज़ द रेनबो सफारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा जगह है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है मुझे वो वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एंड द फूड एंड द स्टाफ वॉज अमेजिंग हियर। सो येस, टुडे वी आर ट्रैवलिंग टू काकड़ीभिट्टा, एंड काकड़ीभिट्टा पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टे देयर फॉर वन नाइट, और द नेक्स्ट मॉर्निंग वी आर ट्रैवलिंग बैक टू गैंगटॉक। तो हमारा ये जो नेपाल का टूर था वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। मेरा हस्बैंड आगे चल रहे हैं गाड़ी में सामान डालने के लिए, और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए हैं, दे आर एक्चुअली वेरी नाइस। सो अभी हम कर रहे हैं चेकआउट के कुछ फॉर्मेलिटीज़। सो ही इज़ द ओनर ऑफ़ दिस रिजॉर्ट। तो यहाँ के जो स्टाफ थे, मैंने उन लोग से भी अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, और वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस भी देखेंगे। सो नाउ अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको लगेगा 10 आवर्स आई थिंक काकड़ीभिट्टा पहुँचने में। सो रास्ते पे यहाँ पे जाते जाते एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर भी था, उन लोग ने बताया था वहाँ पे एक ब्रीडिंग सेंटर है वहाँ पे भी विजिट करने के लिए। सो वी विजिटेड दिस प्लेस आल्सो। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ नेपाल टूर। आप लोगों को अच्छा लगा होगा गाइज, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैं फिर से जल्दी ही जल्दी आऊँगी विथ न्यू वीडियो, एंड येस आई एम सेइंग बाय टू नेपाल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू वेरी सून।